हमारी मांग ये है कि हमारे कमरे नहीं है, दो दो तीन तीन क्लास एक साथ बैठती है, टीचर की कमी है। टीचर की कितने लंबे समय से कमी है? 4-5 साल हो गए। अच्छा, पिछली बार भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, इस दौरान क्या आश्वासन मिला था? 5-6 महीने आए थे, नियमित नहीं आए। अच्छा, अब आपकी मांग क्या है? नियमित सर आए। अच्छा, और इनके साथ साथ ही कमरों की भी आप कमी बता रहे हैं? हाँ। कितने कमरे इस स्कूल में है? 6-7। अच्छा, 12वीं तक की स्कूल है। बच्चों की ये मांग है कि यहाँ गांव में 12वीं तक स्कूल है और 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अध्यापक एक या दो लगे हुए, इसलिए इस यहाँ विद्यालय में अध्यापकों की भारी कमी है, इसलिए ग्रामीणों ने और बच्चों ने धरना दिया है। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेंगी तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे, और हमने पहले बीओ साहब को भी इस बारे में ज्ञापन दिया 2 बार, जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने 1 बार ज्ञापन दिया, और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी हमने 2 बार मिले और ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारे स्कूल में कोई भी मास्टर नहीं लगाए, इसलिए शिक्षा हमारे बच्चों को मिल नहीं रही है और हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। इस कारण से हम आलवाड़ा भाजपा का गढ़ है और राज्य और केंद्र भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, वो भाजपा की सरकार है तो सरकार तो सरकार के लेवल पर काम कर रही है, लेकिन जो यहाँ जो अहदे पर अधिकारी बैठे हैं तो वो अधिकारियों को हमने अवगत कराया और वो मास्टर नहीं लगा रहे। मतलब कहीं कहीं अधिकारियों की इसमें कोई लापरवाही रही है मानते हैं? लापरवाही जैसे ही हो गया कि सर वो मास्टर लगाने, तो हमारे गांव में भी, हमारा भी गांव है, हमारे भी 12वीं स्कूल है, तो हमें भी मास्टर की जरूरत है, तभी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मेरी मांग ये है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से नहीं है टीचर? बहुत दिनों से नहीं है, स्कूल बने अब तक कोई ज्यादा टीचर लगे नहीं, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं है। अब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई अधिकारी वगैरह अभी तक मौके पर पहुंचा? कोई नहीं पहुंचे अभी तक। किसी ने कोई आश्वासन दिया? नहीं। अच्छा, ठीक है। धरना प्रदर्शन हमारा नहीं तो टीचर है। हाँ। और एक माला मैडम लगी हुई है 5 साल से, वो आ नहीं रही है जी, और टीचर की ज्यादा कमी है। अभी वर्तमान में कितने टीचर आपको पढ़ाने आते हैं? वर्तमान में 2 है, एक तो प्रिंसिपल सर जी जो ऑफिस का कार्य करते हैं। हाँ। एक टीचर है जो क्लासों को देखभाल करते हैं छोटे बच्चों को। अच्छा, वो माला मैडम कहाँ लगी हुई है अभी, कोई पता? अभी पता तो नहीं है सर, वो लगी हुई है हमारे स्कूल में, दिखा रहा है कि हमारे स्कूल में लगी हुई है परंतु आ नहीं रही है। अच्छा, तो पिछले साल भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद में क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला था 3-4 टीचर आए थे, वो भी नियमित रूप से नहीं आए थे। अच्छा, अब ये धरना प्रदर्शन करके आपकी कोई मांग किसी अधिकारी से हुई है, कोई बात हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है अधिकारी से कोई बात। अच्छा, अब अगर ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? धरना प्रदर्शन जब तक हमारे टीचर परिपूर्ण नहीं होते, नियमित रूप से आना और हमारे कमरे का वो नहीं होता सर, बौद्धिक संसाधन जब तक पूरे नहीं हो गए तब तक आप धरना प्रदर्शन जारी रहेगा सर? ये